आज का वीडियो होने वाला है एक ऐसे शख्स के साथ जिसे लोगों ने बहुत ट्रोल किया है, बहुत रोस्ट किया है एंड पूरी तरीके से एक्सपोज किया है। तो अभी तक तो तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि आज का ये वीडियो किस महान हस्ती के साथ होने वाला है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ ऐसा बोला था, Q&A विद ताहिर, ओके डन। जिसके बाद भाई ये तो करना ही था क्योंकि हम कमिट कर चुके थे और अगर हम ये करते नहीं तो तुम लोग कुछ मदर। नाउ एनीवेज, तो आज का वीडियो होने वाला है फुएगो के साथ, जहाँ पे फुएगो और हमारी हुई है कुछ बातचीत। अब फुएगो के साथ ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले बहुत कंफ्यूजन था कि भैया इससे कैसे क्वेश्चंस पूछे। यही बात को सोच सोच के हम कंफ्यूज्ड हो गए थे। देन हमने सोचा कि स्कैम्स एंड वगैरह वगैरह के रिलेटेड तो हमने ऑलरेडी वीडियो में बोल रखा है, तो इस बार क्यों ना कुछ दूसरी चीजों पे बात करें फुएगो के साथ। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू कर दिया जाए। अरे हर बार ये म्यूजिक डालना जरूरी नहीं है, प्लीज चेंज द म्यूजिक। तो फुएगो ताहिर फुएगो, हाउ इज योर फीलिंग कि तुम हमारे साथ रिकॉर्ड कर रहे हो? टू बी ऑनेस्ट, ओके, जवाब देना भाई। बढ़िया लग रहा है वैसे, मतलब अगर मतलब दुश्मन थे फिर दोस्त, थोड़ा अजीब तो लगता है पर हो जाता है, सही लग रहा है। ओके ओके, एंड फैम क्लैशर नाम सुनते बराबर तुम्हारे मन में ख्याल क्या आता है? भाई कभी कभी तो गाली देने का मन करता है देखो ऑनेस्टली पर कभी कभी क्या होता है ना कि मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ, अगर मैं किसी को कोई रीजन ना दूं मेरे पे वीडियो बनाने का, कुछ करने का, मैं कुछ ना करूं तो दूसरा बंदा क्यों बनाएगा? जब खुद हम किसी को रीजन देते तो तब बना पाता है। तो इसीलिए मतलब गलती अपनी होती है, दूसरे कोई गलती नहीं करते। अगर आपकी अपनी गलती है तब दूसरा आप पे कोई वीडियो बना सकता है। समझ रहे हो? एंड तुम्हारा रिएक्शन क्या था जब मैंने तुम्हारे पे पहला वीडियो डाला था, यू नो समथिंग? मेरा पहला रिएक्शन ऐसा था कि मतलब मैं जानता नहीं था फैम क्लैशर को, मैं स्काईलॉर्ड को जानता था और दो तीन को जानता था पर मेरे को सुना नहीं था कभी। तो मेरे को किसी ने लिंक भेजा, मेरे को भाई अच्छा। ये भी सही कर रहा है, मतलब एडिटिंग तो मेरे को बढ़िया लगी, छोड़ो वो गुस्सा, मतलब जो वीडियो थी उस पे गुस्सा आएगा पर एडिटिंग आपकी बहुत सही थी। देखा मैं क्या बोला, मर गया मादर चोद, वो ये सब वो वाला पार्ट जहाँ पे तुम्हारा फोटो था एंड ओके ओके। सो ताहिर जोक्स अपार्ट, अकॉर्डिंग टू यू तुम्हारे हिसाब से इंडिया का बेस्ट शॉटगन प्लेयर कौन है? मैं शॉटगन प्लेयर बोल रहा हूँ। देखो एक तो है आप जानते होंगे NBL का मेहुल, वो शॉटगन बढ़िया चलाता है। M10-14 की बात करो ना, वो बढ़िया चलाता है और भी दो तीन है मतलब टूर्नामेंट पर। मेरे को मतलब जैसा लगता है मतलब जैसे मैं पहले चलाता था तो अब तो नहीं चला पाता क्योंकि मेरा थोड़ा वन शॉट का HOD कर लिया, पर अभी मेरे हिसाब से मेरे को जिसको मैं जानता हूँ और भी होंगे, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा पर उसका मेरे को सही लगता है मतलब बढ़िया। तुमने नाम क्या बताया? मीजस मेहुल। व्हाट? मीजस मेहुल, क्योंकि मेरा नाम भी मेहुल है ना, सो आई थॉट कि यार व्हाट्स योर व्यू ऑन पहाड़ी दिल का बहुत सही है मतलब। पहाड़ी ने अपने पैसों से ये किस्तों पे लिया फोन मैंने। अगर किसी कोई बंदा होता है कि मतलब किसी से मिलते हो मतलब दूर का दोस्त है आपका कोई, आपको कोई ऑनलाइन मिला फिर दूर के दोस्त से मिलने जाते हो, तो आप किसी दूर के दोस्त से मिलने जाते हो ना तो मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये मेरे लिए ये करेगा, वो करेगा, ऐसे बिहेव करेगा, ऐसे नाइसली ट्रीट करेगा, मतलब बिना एक्सपेक्टेशंस के वो उससे ज्यादा ट्रीट करे अच्छा, मतलब वो केयरिंग बंदा है बहुत। और बाकी जो गेम का है, गेम में तो भाई थोड़ा बनना ही पड़ता है, मतलब कुछ भी बनना पड़ता है उसमें, गेम का तो गेम में रख सकते हैं, बाकी एज ए पर्सन बहुत सही बंदा। अभी मिलते हो यूजुअली ऐसे? नहीं, अभी तो मैं कश्मीर में हूँ, अभी नहीं मिलता, बात भी नहीं होती अभी तो। बहुत सारे ऐसे रूमर्स चल रहे थे कि पहाड़ी और ताहिर में हो चुका है क्लैश ऐसा कुछ समथिंग सुनने को मिल रहा है। वो तो मैंने बोला है गेम का गेम में ही रखे तो बाकी पर्सन तो बढ़िया। उतने ज्यादा लेवल पे टूर्नामेंट्स क्यों नहीं खेलते लाइक अदर प्लेयर्स? या फिर टूर्नामेंट खेलते हो लोगों को पता नहीं चलता, या फिर तुम टूर्नामेंट खेलते ही नहीं हो, क्या है? जो अभी मेरा रीजन है ना कि पिछले मैंने बहुत कम वीडियोस डाली है पिछले 2-3 महीने से, आपने खुद नोटिस करा होगा लोगों ने, वो यही रीजन है कि मैं सुबह 11 बजे उठता हूँ, 11:40 से टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और रात को खत्म होते होते इतने टूर्नामेंट आ जाते हैं कि 10:40 तक हो जाते हैं कभी कभी, इतने टूर्नामेंट खेलता हूँ। तुम टूर्नामेंट खेलते हो लेकिन लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि तुम उसे ना YouTube पे डालते हो ना ही कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे? हाँ वो टूर्नामेंट गेम प्ले भी थोड़ा तो डालना शुरू किया है पर उतना नहीं क्योंकि टाइम नहीं मिलता, ई-स्पोर्ट्स और YouTube संभालना बहुत मुश्किल रहता है इसलिए। एक बार तुम्हें कोई टूर्नामेंट से बैन किया गया था, सो व्हाट्स द रीजन, उसके पीछे का रीजन क्या था? लगभग 9-10 महीने पुरानी बात है,
तो स्ट्रीमर कॉम्बैट चल रहे थे उस वक्त, बहुत पहले की बात है। तो मैं उस वक्त पबजी में था, मैंने छोड़ दिया था गेम, लगभग 2 महीने के लिए मैंने गेम छोड़ दिया था। टीम थी पहाड़ी, ब्लैक हॉक और भी राकेश और एक बंदा था, मेरी टीम थी उनके साथ। तो मतलब मैं चला गया था, मतलब मेरा इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी टूर्नामेंट में, मतलब पता नहीं मन ही चला गया था, होता ना कभी कि मन भर जाता है गेम से, तो मतलब ऐसे ही थोड़ा छोड़ दिया, मतलब थोड़ा चिल करने के लिए पबजी में चला गया था, क्योंकि मेरे जो घर आसपास दोस्त थे वो भी खेलते थे, तो वहाँ चला गया। यहाँ से टूर्नामेंट आ गया था एक फ्री फायर में, तो मैं खेलता नहीं था। तो मेरे को पहाड़ी ने पहाड़ी ने बोला कि मेरा एक फ्रेंड है, मैं तेरे नाम की आईडी से उसको खिला देता हूँ, क्योंकि बाद में तू आएगा तू फिर ज्वाइन कर लेगा, अभी तो नहीं है, तो उसको खिला लेता हूँ। तो मैंने अपना आधार कार्ड दे दिया उस फ्रेंड ने, वो आधार कार्ड मतलब उन लोगों ने उस आईडी में मेरा आधार कार्ड डाल दिया, पर खेल कोई और रहा था। तो बाद में पता चला कि वो जो आईडी थी उसमें पहले हैक यूज हो चुका था, जिस आईडी को मेरा नाम दे दिया था, तो वो बैन हो गई थी। पर फिर तो बाद में वो सीन क्लियर हो गया कि मतलब गरीना से बात बात होके वो सीन हो गया था क्लियर, बंदों को लगता है मैं अभी भी बैन हूं, पर ऐसा नहीं है। एंड ताहिर, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन रैंक पुशर? मेरा ओपिनियन यही है कि मतलब अगर आपको ग्लोबल पुश करना है तो मतलब उसमें तो टाइम लगेगा ही आपको, ये नहीं कि आप 2 घंटे खेलो फिर 2-4 घंटे बाद आ जाओ। तो आपको यही दूंगा कि अगर आपके एग्जाम चल रहे हैं तो अभी अभी मत खेलो, अगला सीजन भी आएगा, सीजन रुकने वाले तो है नहीं, जितना जितना आगे जाएगा उतना उतना ईजी होता जाएगा मतलब करना ग्रैंड मास्टर जो भी आपको करना है। को ये बोलना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे एग्जाम्स है, तुम्हारे ऑफलाइन एग्जाम्स है एंड तुम्हें मतलब वैसे एग्जाम्स है वो लेवल पे, तो प्लीज गेम को थोड़ा साइड में रखो एंड अपने स्टडीज पे फोकस करो। रैंक पुश या फिर टूर्नामेंट्स किसे मतलब क्या क्या सही रहेगा? रैंक पुश में आपका करियर तो है नहीं, यूट्यूब में भी उतना करियर नहीं है, मतलब ऑनेस्टली मैं बोल रहा हूँ, अगर आप एक बार ई स्पोर्ट्स प्लेयर बन जाते हो ना अच्छे नाम मतलब बहुत, तो आपका यूट्यूब भी खुद ही चलेगा, ई स्पोर्ट्स में भी आप प्रोफेशनल बन जाओगे, मतलब सब खुद ही हो जाएगा। रैंक पुशिंग तो फिर कोई बात ही नहीं होगी आपके लिए, जब आप टूर्नामेंट जीतते हो तो रैंक जीतना क्या है। तुम्हारा पर्सनल फेवरेट यूट्यूबर कौन है इन फ्री फायर कम्युनिटी? आई एम आस्किंग यू फेवरेट यूट्यूबर, मतलब एज अ यूट्यूबर और एज अ पर्सन दोनों विंसेंजो। ये फ्री फायर का हो गया, नॉर्मल जिसकी तुम वीडियोस देखते हो वो फेवरेट कौन? नॉर्मल राउंड टू हेल। करंटली तुम किस में खेल रहे हो, आईफोन या एंड्रॉइड या फिर बोथ? आईफोन में भी खेलता हूं, एंड्रॉइड में भी खेलता हूं। एंड किस में ज्यादा खेलना प्रेफर करते हो? मैं तो आईफोन होगा, आईफोन में, क्योंकि एंड्रॉइड कितना भी अच्छा हो ना आपका, मेरा भी रॉक 2 है, मतलब ये तो अभी मतलब बेस्ट फोन्स में ही है, वन ऑफ द बेस्ट फोन है एंड्रॉइड का, पर फिर भी आईफोन 8 प्लस इतना पुराना फोन है ना, उससे अच्छा नहीं चल पाता इसमें गेम। अब मैं यहां पे रैपिड फायर क्वेश्चन पूछने वाला हूं, सो पीसी या मोबाइल? मोबाइल। वन टैप या नॉर्मल गेम प्ले? बोथ। बोथ रैपिड फायर है ब्रो, तुम्हें एक ही सिलेक्ट करना है। वन टैप है नॉर्मल गेम प्ले, नॉर्मल गेम प्ले, क्योंकि बाद में वन टैप में कोई फ्यूचर नहीं है, वो तो फन के लिए एंटरटेनमेंट के लिए डालते हैं। फुल मैप या फिर क्लैश स्क्वाड कस्टम? फुल मैप। ताहिर, तुम्हारे अकॉर्डिंग फ्यूचर ऑफ ई-स्पोर्ट्स फ्री फायर में क्या होने वाला है? फ्यूचर ई-स्पोर्ट्स का फ्यूचर तो अभी स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि अभी मतलब स्टार्टिंग है, हमें लग रहा है भाई अभी कंपटीशन बढ़ गया, पर अभी कुछ नहीं है। आगे देखो, पहले देखो आप, 1 महीने पहले एक टीम थी जो स्नाइपर चलाती थी, अब देखो बता की 12 में से 11 टीम स्नाइपर होंगी और डबल डबल, मतलब अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, फ्यूचर में बहुत आगे बढ़ने वाला है। अभी अगर साल में 4 दिख रहे टूर्नामेंट, अगले साल 5-6 ऐसे बढ़ते रहेंगे, तो बहुत फ्यूचर है इसमें। एंड तुम्हारे हिसाब से जो क्रोनो कैरेक्टर लाया है फ्री फायर में एंड डबल वेक्टर, इसकी वजह से क्या गेम कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो रहा है? व्हाट्स योर ओपिनियन कि इससे क्या गेम सही में डिसबैलेंस हो रहा है? इससे गेम डिसबैलेंस इतना हो रहा है कि मतलब अगर आप शॉर्ट रेंज में घुसोगे ना, तो आप पे क्रोनो है तो आप मार दोगे दूसरे को, दूसरे पे है तो वो मार देगा, जिस पे क्रोनो एट अ टाइम चार्ज वो मार देगा आपको। भी है बट उसके पास क्रोनो चार्ज है तो वो मार देगा तुम्हें, क्या करोगे आप? 5 साल थोड़ी ना आप एक ही मैगजीन में उतार दोगे आप बंदे के, 500 और 2700 हेल्थ हो जाती है। अच्छा, एंड तुम चाहते हो कि क्रोनो कैरेक्टर की पावर को कम करना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए? नहीं, परसों सुनने में आया था, 10-15 दिन बहुत सुनने में आया था कि मतलब उसके अंदर बैठ के आप हील तो कर सकते हो ना, आप बाहर मार सकते हो ना, बाहर वाला अंदर आ सकता है, तो वो ग्लू वॉल टाइप बन जाएगा हील करने के लिए, वो बढ़िया रहेगा। पर ये जो है भाई, चलते चलते क्रोन यूज करो मार दो, क्या ही भाई, कुछ नहीं। सो ताहिर, वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ आने वाले 5-6 साल में या 3-4 साल में? तुम्हें आने वाले 3-4 साल में मेरे को इंडिया का बेस्ट स्पोर्ट्स प्लेयर बनने का अभी सपना है, मतलब जोश है अभी, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। एंड इंडिया में तुम्हारा पर्सनल फेवरेट कौन है स्पोर्ट्स प्लेयर? वासियो सीआर जैसे मैं।
फोर अननोन को डिस्क्वालीफाई किया गया था, राइट? तुम्हारा क्या कहना है उस पे? डिस्क्वालीफाई किया गया मतलब वो ये नहीं बोल सकती गरीना की गलती है पूरी या उनकी गलती है पूरी, मतलब कहीं ना कहीं दोनों की गलती थी। अगर उन लोगों ने पहले बुलाया था तो आपको जाना चाहिए था। अगर मेरे को बुला लेते ना स्टेट के बाहर भी फोटोशूट के लिए, मैं तो चला जाता भाई। एक तो घूमने भी हो जाएगा, फोटोशूट भी हो जाएगा और पैसे भी वही दे रहे, तो आपको जाना चाहिए था। अगर आपको वो 5-6 दिन पहले बोल रहे थे, आपको अपना काम छोड़ के जाना चाहिए था, क्योंकि उससे इम्पोर्टेंट काम आपके लिए नहीं था। जो भी तुमने पास्ट में सीन क्रिएट किया, जो भी व्हाटएवर जो भी, उसे वापस लेना चाहूंगा। सो उसमें तुम्हारा क्या कहना है? उसमें मेरा यही कहना है, मैंने रिसेंटली भी अपने एक वीडियो में कहा था कि मतलब मेरे पास टाइम मशीन तो है नहीं, किसी के पास नहीं है। मतलब बहुत से, मतलब 90% लोग ऐसे कि जिनमें पास्ट में तो सबसे ही गलती हुई, आपसे भी होगी, सबसे हुई होगी, कोई ऐसा मतलब है नहीं इंसान जिससे गलती ना हो। अब टाइम मशीन तो है नहीं कि मैं पास में जाके सब कुछ ठीक करूं और पास को सोचते रहो मैंने उधर क्या किया था, इधर क्या किया था, अब क्या होगा, वो क्या होगा। मैं वैसा इंसान नहीं हूं, मतलब मैंने पास में गलती की फिर मैं उसको सोचने में बाकी अपना फ्यूचर बर्बाद करूं। मैं अगर पास में गलती की ना, मैं एक बार उसको मतलब सोचूंगा हाँ कि गलती थी, अब आगे से नहीं होगी, उसको मतलब रिपीट नहीं। देखो मिस्टेक करना मिस्टेक नहीं होता, मिस्टेक को रिपीट करना वो मिस्टेक रहता है। तो एक बार अगर मैंने की तो मैं वो गलती अगली बार ना करके फ्यूचर पे ध्यान दूं तो वो ज्यादा बढ़िया। तो आपको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब कोई भी बंदा, मतलब जो भी कमेंट करते डिसलाइक मारते, तो आप फ्यूचर को देख के जज मत करो, है ना, पास को देख के जज मत करो। आप अभी प्रेजेंट को देखो और फ्यूचर को देखो, उसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, प्रेजेंट और फ्यूचर की। तो बस आज के इस वीडियो को करते यहीं पे एंड, यही था वीडियो ताहिर के साथ। एंड जो भी लोगों ने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे तुम्हारा भाई बहुत एक्टिव रहता है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। एंड डिस्कॉर्ड सर्वर को भी ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो दिस वॉज क्लैशर साइनिंग ऑफ, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, तेरी किस्मत कोई और ले गया, क्या सोचा था तूने और क्या हो गया, नन्ही चींटी का खाब देखा तू, सबक नहीं सीखा बचा खेला तू, पापो पानी पोनी पापा पू, पापो पानी पोनी पापा पू।